उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भले ही ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को कराए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में योजनाओं का लाभ पंचायत राज विभाग की अनदेखी के चलते पात्र लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण लगातार लाभ दिलाए जाने को लेकर गुहार लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद की ग्राम पंचायत जाफरपुर की, जो कि पाकबड़ा डीगरपुर रोड पर स्थित है, और ये ग्राम पंचायत ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर सर्व समाज के लोग निवास करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिन्हें सरकार की सबसे जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं पेंशन को लेकर भी वृद्धजन गुहार लगा रहे हैं। जमीनी स्तर पर जब हमने हकीकत को जानना चाहा, तो ग्रामीणों द्वारा अपनी पीड़ा को सुनाते हुए कहा गया कि उनके द्वारा ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक स्तर तक अपनी समस्या को बताया गया है, लेकिन समस्या को सुनना तो दूर की बात, उनकी बात पर गौर भी नहीं किया जा रहा। हमने जब ग्रामीणों से बात करनी चाहिए तो ग्रामीणों द्वारा अपनी बात को बताते हुए जो आप बीती सुनाई, चलिए आपको भी दिखाते हैं। सर आपका फिरोज जी कहाँ के रहते हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि सब गंदगी होती है हमारे यहाँ, घूर फूर से इससे परेशानी होती है, बीमारी होती है। अच्छा, अगर यहाँ की विकास की बात करें, किस तरीके का विकास है? विकास तो हुआ ही ना है हमारे यहाँ। और क्या परेशानी है? परेशानी ये है घर पर बनने, गरीब लोग हैं सब, दिक्कत ये आ रही है। कॉलोनी मिली आपको सर? मिली। कोई फॉर्म उरम डाला आपने कॉलोनी का? कुछ डाला है हमने। क्या रहा फिर भी? कुछ अधिकारियों ने नानुकार करते हैं कि होगा नहीं है, वो है, हमारे पापा डर थे वो खत्म हो गए, उन्होंने डाला था। अब जैसे प्रधान जी तुम्हारे यहाँ के प्रधान बने हैं दूसरे, उनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? अब उम्मीद से तो उनसे तो उम्मीद है ही, वो दिलवा सकते हैं। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी कहाँ के रहने वाले? जाफरपुर। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब, ये हमारे पड़ोसी काफी टाइम से ये कच्चा घर इनका परेशानी हाल, बारिश होती है तो बच्चे परेशान जैसे लगते हैं, छत चपकती है और चौफर से पानी आने का भी अंदेशा रहता है। कभी अधिकारियों से कही आपने इस चीज़ को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है? कई बार ऐसी योजनाएं आई और जो है तहसील से कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा पाचा देखा भारा भाई ये घर क्यों नहीं बना, के समस्या चली आ रही है, लिख के तो ले जाते हैं लेकिन इस पर कोई गौर तलब नहीं हुई। अच्छा, पड़ोसी का ही घर ऐसा है क्या आपका भी इस तरीके से? मेरा तो साहब इससे बेहतर है लेकिन परेशानी में यही ज्यादा है। फिर कितने लोग यहाँ पर परेशान होंगे जिनके मकान नहीं बने और जिनको परेशानी है और ये सफाई की बात? ये गांव है, गांव का आप सर्वे भी करें और गांव में कुछ और भी लोग हैं जो के बेचारे को परेशान है, ये जो है पहले हकदार ही, बिल्कुल टोटल मकान जो कच्चा है वो इन्हीं का है। अच्छा, यहाँ की अगर सफाई की बात करें और ये सड़कों की बात करें तो कैसा है? क्या चाहते हैं? जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जो हो जाएगा वो बेहतर ही है। अब सफाई भी होनी, अधिकारियों से आपकी क्या मांग रहेगी? वही रही के साथ विकास के लिए और जिनके मकान टूटे फूटे हैं, जो परेशान हालत में हैं, कोई ना कोई सुविधा मिलनी चाहिए उन। ठीक, क्या नाम है आपका मैम? फुल यहाँ जी कहाँ की रहने वाली हैं? जाफरपुर की रहने वाली हैं। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है, किस चीज़ को परेशानी है आपकी? गरीब है, छत नहीं है। आपने कभी सरकार से क्या मांगती है? सरकार से यही कहेंगी हमारा घर बनवाएं। घर बनवाएं? कभी अधिकारियों से शिकायत करी इस बारे में? करते थे। क्या कहा? सुन के नहीं देते थे। सुन के नहीं दे रहे? अब आगे क्या मांग है तुम्हारी? आगे मांगे बस कॉलोनी मिल जाए। ठीक, आज भी ऐसे लगभग एक दर्जन परिवार हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको सरकार की योजना का लाभ कब मिलेगा कोई नहीं जानता, जबकि लाभार्थी लगातार ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं।